जिस तरह प्रेगनेंसी का सफर किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है, इसी तरह डिलीवरी भी मुश्किल प्रक्रियाओं से गुजरती है। कई महिलाओं को तो डिलीवरी के दौरान बहुत बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है, उन्हें असहनीय दर्द होता है। अगर नेचुरल डिलीवरी ना हो तो सिजेरियन करना पड़ता है। डिलीवरी के बाद भी महिला का संघर्ष खत्म नहीं होता, उन्हें रिकवरी के लिए कम से कम 40 दिन का समय तो जरूर लगता है। वहीं अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो महिलाओं को गर्भाशय में इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे में इसको शुरुआत में ही अगर आप पहचान ले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। देखिए, गर्भाशय में इन्फेक्शन होना सही नहीं है। अगर समय रहते ही महिला ने इन्फेक्टेड गर्भाशय का ट्रीटमेंट न करवाया तो गर्भाशय खराब भी हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ गंभीर मामलों में इसे निकालना भी पड़ता है। इसलिए बच्चेदानी में हो रहे इन्फेक्शन की अनदेखी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर डिलीवरी के बाद किसी महिला को बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए तो उन्हें कई तरह के लक्षण जो है वो नजर आ सकते हैं। डिलीवरी के पहले दिन से तीसरे दिन के बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ठंड महसूस करना और बुखार आना, कपकपी महसूस होना, सिर दर्द होना, भूख न लगना, हार्ट रेट का बढ़ना, गर्भाशय में सूजन होना, डिस्चार्ज में तीव्र गंध आना। वहीं कुछ मामलों में डिलीवरी के बाद गर्भाशय में इन्फेक्शन होने पर गंभीर लक्षण भी नजर आ सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में देखा जाता है। पेट के निचले हिस्से में सूजन होना, प्यूबिलिक की नसों में ब्लड क्लॉट यानी कि रक्त के थक्के बन जाना, लंग्स तक ब्लड क्लॉटिंग हो जाना जिससे आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, संक्रामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित टॉक्सिक का लेवल बढ़ जाना पूरे शरीर को संक्रामक कर सकता है। इस इन्फेक्शन को आमतौर पर एंटीबायोटिक या ओरल दवाइयों के द्वारा जो है आप ठीक कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको बैक्टीरिया की तरह उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो मेडिसिन है वो सुझाव करेंगे, लेकिन अगर आप पूरी तरह हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि आप थोड़ी सी अपनी जो हाइजीन है वो भी मेंटेन करके रखें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।